क्वेश्चन क्वेश्चन सेज टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के वन एंड के टू आर जॉइंड इन सीरीज. सवाल है इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी गिवन बाय, और चार ऑप्शन दे रखे हैं. अगेन ये एनएलएम में और एसएचएम में दोनों ही चैप्टर में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं. इसका डायरेक्ट आंसर अपने को पता होना चाहिए कि अगर हमारे दो स्प्रिंग है, उन दो स्प्रिंग को जिनका कांस्टेंट के वन और के टू है, इनको अगर हमने सीरीज में ज्वाइन कर दिया है, तो उस केस में जो आपका के इक्वलेंट आता है, इसे अगर रिप्लेस करना हो हमने एक स्प्रिंग से जिसका के इक्वलेंट हो, सो हम लिखते हैं 1/k equivalent विल बी इक्वल टू 1/k1 + 1/k2. राइट, और इसी की अगर वैल्यू निकालनी हो, एलसीएम लेंगे, के वन के टू आएगा, ये के टू प्लस के वन हो जाएगा. सो के इक्वलेंट विल बी इक्वल टू के वन मल्टीप्लाइड बाई के टू डिवाइडेड बाई के वन प्लस के टू हो जाएगा. राइट, सो ये आपकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई. इसको अभी हमने डिराइव नहीं किया है, अगर इसे डिराइव करना हो तो वो भी और आसान काम है. सो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि मान लीजिए आपने एक फोर्स यहाँ पे एफ लगाया है, ये आपका स्प्रिंग के वन है, के टू है, इसमें दोनों में डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स हुआ है टोटल डिस्प्लेसमेंट, और वही डिस्प्लेसमेंट एक्स आपका इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो उसके बेसिस पे हम ये चीज़ डिराइव कर लेते हैं. ऑलराइट, सो बेस्ड ऑन दिस हम कहते हैं कि ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर.